आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर भारत के आप किसी भी राज्य किसी भी जिले के हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत में कितने लोगों का शौचालय का पैसा मिला हुआ है, किन किन लोगों का उस लिस्ट में नाम है, आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने गूगल में टाइप करना है sbm.gov.in। तो आइए दोस्तों मैं इसको टाइप कर देता हूं और यहां पे टाइप करने के बाद से दोस्तों सर्च करेगा। सर्च करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको दो लिंक मिलेंगे, तो यहां पे आपको पहला वाला लिंक ओपन नहीं करना है, यहां पे आपको दूसरा वाला लिंक जो रिपोर्ट वाला लिंक है स्वच्छ भारत मिशन का, आपको इसको ओपन करना है। तो आइए दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये दूसरा लिंक है, तो आपको इस दूसरे वाले लिंक को आपको ओपन करना है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है रिपोर्ट, तो दोस्तों रिपोर्ट के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, इसमें दोस्तों सबसे पहले वाले में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों मेरा उत्तर प्रदेश है, मैं अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद से दोस्तों उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ब्लॉक, तो यहाँ पे दोस्तों इस पर क्लिक करके जो भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना दोस्तों ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है व्यू रिपोर्ट, तो दोस्तों आपको व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद से दोस्तों आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इस ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत है सभी ग्राम पंचायतों का यहाँ पे आपको बगल में आपको नाम दिख जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है जिसका पैसा रिलीज हुआ है, जिसका अभी तक शौचालय अपने आप बन रहा है दोस्तों, वो फाइनेंशियल ईयर है 2018 से 19। दोस्तों 2018-19 के बाद से अभी तक इस योजना के अंतर्गत कोई पैसा अलॉट नहीं हुआ है, जो अभी तक शौचालय बन रहे हैं वो इसी अलॉटमेंट के अंतर्गत बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि ये उन्हीं लोगों को पैसे मिलते हैं जो शौचालय बनवाते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम आ भी गया है और अगर आप शौचालय नहीं बनवाते हैं तो इसका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपना शौचालय बनवाना ही रहता है। तो उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2018-19 का ये जो है ये वाला कॉलम जो है ये पूरा 2018-19 का है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ग्राम पंचायत है, ये बगल में आप देख सकते हैं सारे ग्राम पंचायत है। तो जिन भी ग्राम पंचायत के आप रहने वाले रहेंगे आप उन ग्राम पंचायत के सामने यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2018-19 सबसे लेटेस्ट है, उसके बाद से इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा फंड रिलीज नहीं हुआ है, अभी तक जो भी बन रहे हैं वो इसी फंड से बन रहे हैं। तो वही दोस्तों मैं अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत पे के आगे जो ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर मैं आपको क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों नंबर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा पॉपअप ब्लॉक्ड है, जैसा कि मेरा दोस्तों पॉपअप ब्लॉक्ड है, तो अगर आपके में ब्लॉक नहीं हुआ तो आपके में तुरंत पेज ओपन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पे मैं ऑलवेज शो पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ऑलवेज शो पे क्लिक करने के बाद से आपको फिर से एक बार ये जो नंबर रहेगा उस नंबर पर आपको क्लिक करना है। तो मैं अपने ग्राम पंचायत के सामने ये जो हमारा ये नंबर है ये 167 लोगों को जिसको मिला है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और दोस्तों जो वो पॉपअप मैंने आपको दिखाया है उसको आप ऑलवेज ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राम पंचायत का नाम है और यहाँ पे फैमिली आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये बेनिफिशरी का नाम है, यहाँ पे बेनिफिशरी के ये पिता का नाम है, यहाँ पे उनकी कैटेगरी है APL BPL जो भी हैं यहाँ पे उनकी कैटेगरी दी हुई है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कैटेगरी में ये क्या इनकी सब कैटेगरी है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन फ्रॉम, तो यहाँ पे दिया हुआ है SBM, मतलब कि ये दोस्तों किसके थ्रू बना है यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कितने रुपए अलाट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कितने रुपए अलाट होते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 12,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 7200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है और 4800 रुपये राज्य सरकार देता है।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको और राइट साइड में इधर आ जाना है और राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉयलेट कॉस्ट। तो दोस्तों ये 12,000 रुपये टॉयलेट कॉस्ट है जो कि इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो दोस्तों आप भी अपने किसी भी राज्य किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत का चेक कर सकते हैं कि किन किन लोगों को शौचालय के पैसे दे दिए गए हैं, किन किन लोगों का इस लिस्ट में नाम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।